प्रैक्टिकल है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ ए गिवन वायर अंडर कॉन्स्टेंट टेंशन यूजिंग सोनोमीटर एंड टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन म्यू एंड वन अपॉन एल. ये डिवाइस है सोनोमीटर. ये इसके दो डिवाइस है हमारा सोनोमीटर. ये दो वायर यहाँ पे स्ट्रेच की होती है, मीटर वायर होती है. ये वायर के साथ हमने यहाँ दूसरी साइड इस पुली के साथ ये वेट लटकाया होता है, जिसको हर वायर में हमने राइड रखना है. एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है जिसको हमने यहाँ पे वी शेप बना के रख दिया. और एक एक करके हम ये तीन चार फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे और इस जो सेंट्रल वायर है इसको हम वाइब्रेशन में करेंगे, लेकिन इन दो सेगमेंट के बीच में. तो ये भरना है टेबल इस एक्सपेरिमेंट में. तो ये जो भी फ्रीक्वेंसी हम चूज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फोर रीडिंग है, तो फोर टाइप की फ्रीक्वेंसी फीड करेंगे और यहाँ से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लेंथ निकालेंगे रेजोनेंट वायर की. ये वायर की लेंथ हमने नोट करनी है. रेजोनेंट वायर होगी जिसमें ट्यूनिंग फोक से ये जो राइडर है ये नीचे गिर जाए. तो मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक लेंगे, यह 238. इसको पैड के साथ टच करके वाइब्रेशन में लाएंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे टच करेंगे. अगर राइडर हमारा गिर जाता है, ये जैसे राइडर गिर गया, तो हमने ये जो लेंथ है ये लेंथ हमने नोट कर लेनी है यहाँ से कितनी लेंथ है. ठीक है, ये फर्स्ट हमारी मिनिमम लेंथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ये लेंथ है अबाउट 49.5 से लेकर के है करीब करीब 52 तक. तो 52 ये हो गए हमारी 2.5 सेंटीमीटर. 3.5 सेंटीमीटर और ये था 238 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. इस ये जो लेंथ है ये बढ़ाते जाना है आपने. जैसे बढ़ा दी, थोड़ी सी बढ़ा दी, यहाँ से 50 के बराबर चलते हैं इक्वल. तो 2 सेंटीमीटर करते हैं, 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, 52 तक ले आते हैं और फिर से राइडर को इसके ऊपर रखना है. ये फिर से ये राइडर गिर गया. तो ये लेंथ आपने नोट, जब तक गिरे ना तब तक आपने ये लेंथ नोट करते जाना है. ऐसे इसको बढ़ाते जाना है और ये लेंथ अब हम बढ़ा देंगे. लेंथ जैसे मैंने ये 45 तक दी और इधर 55 तक, तो लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर. और फिर से राइडर को यहाँ पे बीच में कागज़ के इस टुकड़े को वी शेप में पुट करेंगे. फिर से वाइब्रेशन ट्राई करके चेक करेंगे कि गिरा कि नहीं. तो अभी नहीं गिरा है, थोड़ा सा राइडर हमारा टेढ़ा हो रहा है और लेंथ को थोड़ा और बढ़ा देंगे ताकि ये गिरे नीचे. गिरेगा कब? जब इसकी फ्रीक्वेंसी, राइडर की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी हमारी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो रेजोनेंस होगा और इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और ये गिरेगा नीचे. एक सेकेंड, ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 42 और यहाँ पे 58. तो ये हो गया हमारे पास कम से कम ये डिस्टेंस हो गया 16 सेंटीमीटर. और राइडर को फिर से हमने रखना है इसके ऊपर और फिर से वाइब्रेशन से पुट करके हमने चेक किया. तो ये हमारा राइडर गिर जा रहा है. तो इसका मतलब ये लेंथ हमने नोट कर लेनी है, रेजोनेंस लेंथ कितनी है. तो एक्सपेरिमेंट आपने तब तक करते रहना जब तक ये गिर ना जाए नीचे. ये राइडर जो वायर पे राइडर है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे नीचे गिरेगा. ये आपने चेक करना है कि कब गिरता है, वो लेंथ नोट करनी है. और ये लेंथ धीरे धीरे आपने यहाँ से बढ़ाते जाना है, दोनों साइड से बराबर चढ़ना है आपने. इधर से भी जैसे 2 सेंटीमीटर और इधर से भी 2 सेंटीमीटर. और ये ट्यूनिंग फोक लेके आपने फिर से इसकी कंडीशन चेक करनी है कि ये यहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी के लिए इंक्रीज करते हुए लेंथ वो ढूंढनी है जिसमें वो गिर रहा है नीचे. लास्ट लेंथ ढूंढनी है आपने, ठीक है, जब तक वो गिर रहा है. एक लेंथ ऐसी आएगी जब वो गिरेगा नहीं. ऐसी डिक्रीजिंग में आपने वो लेंथ ढूंढनी है जिसमें वो गिरना बंद हो गया, उससे पहले वो गिर रहा है. तो वो मैक्सिमम जो लेंथ होगी डिक्रीजिंग में वो, और इंक्रीजिंग में मैक्सिमम लेंथ जब वो गिर रहा है नीचे. वो दोनों इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी भरने के बाद मीन निकालना है, इसका रेसिप्रोकल करना है और इसी को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ को और वो यहाँ पे पुट कर देना है. बाद में आपने इस फ्रीक्वेंसी
और ये लेंथ के रेसिप्रोकल में ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। जैसे एक रीडिंग जो हमने ली थी उसमें लेंथ इंक्रीजिंग में 2.5 से स्टार्ट हुई है, तो वो 2.5 से वेट आपने लटकाया है। जैसे ये है हमारा वेट है इस वक्त 500, तो ये है 1500, ये वैल्यू हमने, ये है हमारी टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो ये वैल्यू हमने भरनी है यहाँ, ये वैल्यू हमने यहाँ पे भरनी है। टी टेंशन इज, हमारी इस वक्त टेंशन है 1500 kg। उसके बाद फ्रीक्वेंसी चूज कर ली, जैसे हमने फ्रीक्वेंसी चूज की है 238, तो उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेंथ का मतलब क्या है। ये एक्सपेरिमेंट आपने तब तक चेक करते रहना है कि ये नीचे गिरा, जब तक ये गिरने बंद नहीं हो गया। जो गिरने बंद हो जाएगा तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी दैट विल बी द रेजोनेंट लेंथ, आपने वो नोट करनी है। ऐसे डिक्रीजिंग करते जाने, इसकी लेंथ को कम करते जाने धीरे धीरे, और फिर से आपने ट्यूनिंग फोक की हेल्प से आपने ये प्रैक्टिकल करके वो लेंथ ढूंढनी है कि ये गिरने बंद हो गया। मीन्स मिनिमम लेंथ भी आपने ढूंढनी और मैक्सिमम भी, तो मैक्सिमम इंक्रीजिंग में आ जाएगी और मिनिमम डिक्रीजिंग में आ जाएगी। इसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट करना है 1/L और ये जो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी थी उसके बीच में, ग्राफ आपका ऐसे स्लेंटिंग लाइन आएगा और ये हमारा ग्राफ वेरिफिकेशन ही हमारा इसमें रिजल्ट है।